फोर्थ गियर में, अरे भाई ये तो भागते ही जा रहा है। हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू द चैनल मशीन एंड मी। और आज फिर से एक 125 सीसी बाइक का राइड रिव्यू लेके मैं पहुंच चुका हूं लोगों के पास। और जिस बाइक का आज राइड रिव्यू लेने वाला हूं वो है होंडा की तरफ से ऑल न्यू XP 125। हालांकि इस बाइक के ऊपर डिटेल में एक वर्कआउट मेरे चैनल में मौजूद है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा या आई बटन में उसका लिंक को दे दूंगा। अगर इस बाइक के बारे में बारीकी में हर इंफॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो उस लिंक से एक बार कॉन्टेंट को देख लेना। फिर भी इस बाइक के बारे में मोटा मोटा तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँ तो ये जो बाइक है इसमें 124.94 सीसी का एक इंजन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ से आपको 10.9 न्यूटन मीटर टॉर्क देखने को मिलता है और 10.87 पीएस पावर आपको मिलने वाला है। ये इंजन अभी E20 ऑयल कंफर्टेबल एक इंजन है। इस बाइक का जो रियर वाला जो टायर है पिछले जनरेशन से ज़्यादा चौड़ी है। ये जो कंसोल है इसमें आपको कुछ नया फीचर्स देखने को मिलेगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। और उसके साथ इसका जो बिल्ड क्वालिटी है इसके ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। तो ये बहुत ही प्यारा 125 सीसी बाइक को मैं राइड करने के लिए तरस रहा हूँ। जल्दी से मोटर ब्लॉक सेटअप में आता हूँ और इस बाइक को भगा के देखता हूँ। तो फाइनली XP 125, तो हर दफ़ा जो मैं करता हूँ गाड़ी में बैठने के बाद वो है इसका सीट हाइट को जज करना। तो इसका सीट हाइट है 790 मिलीमीटर, मेरा हाइट है 5 फीट 7 इंच, मेरा दो पैर आराम से नीचे तक पहुँच रहा है। इसका राइडिंग पोस्चर भी बहुत रिलैक्स है, फुट पे फॉरवर्ड में सेट है, हैंडल बार रेज है, मतलब बहुत ही रिलैक्स और कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर आपको यहाँ से मिलने वाला है जो एक कम्यूटर बाइक में होना चाहिए। तो ये तो कुछ पेपर वाले बातें, तो अभी भगा के देखते हैं ये मुझको कैसा फील कराता है। सो व्हाट अ साउंड मैन, सो लेट्स गो। फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में 56, थर्ड गियर में 82, ओके, फोर्थ गियर में, अरे भाई ये तो भागते ही जा रहा है। मतलब इस गाड़ी से आपको जो इनिशियल रिस्पॉन्स मिलने वाला है वो तो ताबड़तोड़ है। मतलब 125 सीसी का ये प्योर एक प्रीमियम सेगमेंट का कम्यूटर बाइक है, पर इनिशियल जो रिस्पॉन्स ही आपको प्रोवाइड करने वाला है ये इससे भी ज़्यादा सीसी वाला गाड़ी को भी बीट करने के लिए एनफ है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो साइन के बारे में मुझे हमेशा से बहुत पसंद था और वो साइन का DNA SPV में है, तो इसलिए ये XP 125 तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका जो सस्पेंशन है उसको एक बार चेक कर लेते हैं ये खराब से रास्ते पे। थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज कर लिया, यस। ये जो फ्रंट वाला सस्पेंशन है इसका डैम्पिंग सॉफ्ट साइड पे है पर रियर वाला स्टीफ है भाई। तो ऐसा हो रहा है, आपको अगर अच्छे रास्ते पे जब आप इस बाइक को लेके जाओगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। रियर वाला थोड़ा सा स्टीफ होने से एक्स्ट्रा आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, स्टेबिलिटी दे देगा, कॉर्नरिंग पे भी आपको इनफ कॉन्फिडेंस दे देगा। पर थोड़ा सा कच्चे रास्ते के ऊपर से इस गाड़ी को लेके जाओगे या ऊबर खबर रास्ते के ऊपर से लेके जाओगे तो रियर वाला सस्पेंशन से आपको थोड़ा सा झटका लगने वाला है, वो एक बात है। जब आप खराब रास्ते के ऊपर से जाओगे तब आपको थोड़ा सा स्लो होना पड़ेगा, ये एक चीज़ है। तो इसका जो क्लच है ये बहुत एक लाइट क्लच है, आराम से आप इसको प्रेस करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और गियर बॉक्स भी बहुत स्मूथ है। आप आराम से गियर चेंज करो, मल्टीबार अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और यहाँ पे इको का लाइट ब्लिंक कर रहा है, साइलेंस स्टार्ट स्टॉप का फीचर्स भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब ये कंप्लीट पैकेज है अगर आप देखोगे एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक के हिसाब से। और एक सबसे बड़ा जो चेंज हुआ है वो है इसका रियर वाला टायर में जो पहले से थोड़ा सा चौड़ा हो गया है। तो ये होने से क्या होगा, जब आप इस बाइक को ऐसे कॉर्नर में पुश करोगे या बाइक को टॉप स्पीड तक लेके जाओगे तब पहले टाइम में जो होता था थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लूज आ जाता था वो यहाँ पे नहीं आने वाला है। ये सबसे बड़ा चेंज मुझे फील हो रहा है। और इंजन तो वैसे तो बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइन है,
मान लो एक ज्यूएल है 125 सीसी कैटेगरी में, और इस ब्यूटीफुल सा अल्ट्रा स्मूथ इंजन से आपको जो माइलेज मिलने वाला है, आप मन के चलो ये ऑन एन एवरेज आपको 60 दे देगा। अगर शहर के अंदर लेके जाओगे तो थोड़ा सा कम मिल सकता है, हाईवे में प्यार से चलाओगे तो 65 के आसपास भी दे देगा, पर ऑन एन एवरेज 60। आप लोगों को तो पता ही है एक गाड़ी से डिफरेंट बंदे को डिफरेंट माइलेज मिलेगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका राइडिंग स्टाइल के ऊपर। और इसमें आपको फ्रंट में 240 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, रियर में 130 मिलीमीटर ब्रेक देखने को मिलेगा। इसका बाइट कैसा है ओके देखते हैं। नाइस मैन, फ्रंट का बाइट बहुत अच्छा है, ये आपको एडिक्वेट स्टॉपिंग पावर प्रोवाइड कर देता है। तो अभी स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया मैंने ओके। अभी रियर का बारी ओके, स्टॉपिंग पावर इज गुड, पर बाइट जो है फ्रंट के जैसा नहीं है, ये भी एक बात है। दोनों ब्रेक मिला के आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा, उसमें कोई दोहरा ही नहीं है, पर फ्रंट का ब्रेक का बाइट ज़्यादा शार्प है। इसका जो सीट है, ये सीट भी बहुत बड़ा है, राइडर पिलियन के लिए इनफ रूम आपको देखने को मिलेगा, और सीट का कंफर्ट भी सही है, ना सॉफ्ट है ना हार्ड है। लॉन्ग अगर जाओगे आप तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और इसका जो राइडिंग पोस्चर है बहुत एक रिलैक्स राइडिंग पोस्चर है, आराम से इस बाइक को आप चला सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। और इस बाइक में इतना सारा खूबियाँ है, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ, फिर भी खूबियाँ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जो इसका हैंडलिंग है, बहुत इंजॉय करने वाले हो आप, बहुत लाइट है ये गाड़ी। जब आप इस बाइक को चलाओगे ऑन, देखिए मैं इसको अभी इतना ट्रैफिक के बीच से लेके जा रहा हूँ, मेरे कंधों पे कोई प्रेशर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी फील नहीं हो रहा है, बहुत लाइट ये बाइक फील कर रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, शहर में सिटी ट्रैफिक के अंदर नेक टू नेक ट्रैफिक में जब आप इस बाइक को चलाओगे तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जब आप इस बाइक को हाईवे में भगाओगे तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये एक बहुत अच्छा बात है। तो राइड करने के बाद इस बाइक के बारे में मेरा जो राय है आप लोगों के साथ शेयर करने का टाइम आ चुका है। तो क्या मैं बोलूं, कंप्लेन का कोई जगह होंडा वालों ने नहीं छोड़ा है। पिछले जो जनरेशन था, रियर वाला जो टायर था थोड़ा सा स्किनी था, इसलिए दिक्कत आता था टॉप स्पीड में जाके कॉर्नरिंग में, वो जो जगह है होंडा वालों ने उसको भी सॉल्व कर दिया है। E20 कंफर्टेबल एक इंजन है, डिस्प्ले कंसोल में नया फीचर सभी होंडा वालों ने डाल दिया है, उसके साथ सॉलिड बिल्ट है। और इसका इंजन के बारे में तो क्या मैं बोलूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट इंजन है, बेस्ट रिफाइनमेंट के हिसाब से, बेस्ट पावर के हिसाब से, और माइलेज के हिसाब से भी देखो तो बहुत अच्छा है ये इंजन है। तो देखा जाए अगर 125 सीसी में अगर एक कम्यूटिंग वाला बाइक आप ढूंढ रहे हो प्रीमियम सेगमेंट पे, तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस बन जाता है, पर कंपैरिजन के बारे में तो बात करना पड़ेगा ना। तो मेरे ख्याल से इस बाइक का एक वर्दी कंपटीटर है हीरो के तरफ से ग्लैमर 125 एक्सटेक। वहां पे आपको जो इससे ज्यादा मिलने वाला है वो है कुछ फीचर्स, डिस्प्ले कंसोल में आपको ढेर सारे फीचर्स वहां पे आपको देखने को मिलेगा। पर ग्लैमर का वेट है 123 केजी और इसका वेट है 116 केजी, ग्लैमर का टॉर्क इससे थोड़ा सा कम है, तो वेट टू पावर रेशियो के हिसाब से आप देखोगे तो इससे जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है वो ग्लैमर से थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है। और इसका इंजन का जो रिलायबिलिटी है, इसका जो ओवरऑल बिल्ट है, ये ग्लैमर से परहैप्स मुझे तो पर्सनली अच्छा लगता है। और इसका जो लुक्स है ये हर कोई एज के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप ज़्यादा फीचर्स ढूंढ रहे हो मे बी आप ग्लैमर तक जा सकते हो, पर एक ओवरऑल ऑलराउंडर अगर आप मार्केट में ढूंढ रहे हो प्रीमियम 125 सीसी के अंदर, तो मेरे ख्याल से आपको दूसरे कहीं पे देखने का ज़रूरत नहीं है, ये एकदम परफेक्ट बाइक बन जाता है आपके लिए। तो यही था इस बाइक को चलाने के बाद इस बाइक के बारे में मेरा राय, मेरा ओपिनियन। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, सो देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा वो भी मेंशन कर देना। बहुत जल्दी दूसरे को कंटेंट के साथ फिर सब लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।